आपको कुछ पता है? नहीं नहीं पता है। जो आप मीठी मीठी सी मुस्कान में वो वीडियो डाली हैं, क्या तुम्हें पता है गुलशन? मेरे भाइयों ने काफी पसंद किया है। हाँ, आपकी मीठी मुस्कान और झुल्लुर का मीठा आवाज। हाँ मैं बता रहा हूँ, इंडिया में ही नहीं, देश विदेश में भी लोग काफी अच्छा हम और आपको प्यार दुलार दिए। तो दोस्तों, ये है रागिनी विश्वकर्मा। मैं जब कुछ नहीं था, जब मेरी कोई पहचान नहीं थी, तब इन्होंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करके हमें जो है अपने साथ लेके इन्होंने जो है हमें आप सभी तक पहुंचाने का कार्य किया है। तो हैं तुम मुझसे छोटी, लेकिन फिर भी मैं इनको प्रणाम करना चाहूँगा। भगवान दोस्तों, आज मेरा गाना आप लोगों ने देखा, मैं से बहुत छोटी हैं, हालांकि मैं भी छोटे बूढ़ा हूँ तो छोटी तो रहेंगी ही। तो एक बार फिर से आप सभी तक मैं अपने सुरों का जादू और इनकी मीठी मीठी मुस्कान रागिनी की आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। सुना दूं? हाय हाँ हाय हे ओ कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे तो आपको मेरा गाना और रागिनी विश्वकर्मा का गाना कैसा लगा? मैं
सिर्फ अपने भारत देश से ही नहीं, तमाम लोगों ने, मैंने आप सभी को देखा कि मेरे वीडियो पे जो है आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छा रील्स बनाया। और मैं सबसे पहले सौम्या पोखरेल को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आज पवन सिंह के जो है मूवी या उनके एल्बम में काम कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि आप नेपाल में हैं और उनके साथ में शूटिंग लगी हुई है। आपने मेरा वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे अपने साइट पे, तो आपके माध्यम से भी आपका भी सपोर्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सौम्या पोखरेल जी।